Hey everyone, hope you're having an amazing day. This is Alan. So welcome to Pearl Farming. Sir, ये क्या है? ये pearl है. Oh my God. So this is the pearl, the original pearl. इसको हम यहाँ से seal का skin cut कर लेते हैं. Okay, कितना दिन में चेंज करने पानी? 800 पर एक पल की प्राइस है. We have Mr. Mayur, he is the farmer. So let's ask him all the questions and the doubt regarding the pearl farming. So let's start the video. Here you can see the customized designs and this is MOP, the original form. So when you insert this as through the surgery, you will get the original pearl. So this is the tank, right? Yes. So आप बताइए इसके बारे में. आपको कितना पड़ा and जो ये टैंक है बायोफ्लॉक का टैंक है, इसराइल टेक्नोलॉजी का एक टैंक है. इस टैंक में 10,000 लीटर वाटर बैठ जाता है. इस वाटर में 3,000 सेल्स इट्स इसराइल टेक्नोलॉजी एंड विच कैन हैव 10,000 लीटर ऑफ वाटर. एंड सर फ्रॉम आप कितना साल से ही कर रहे हैं? 7 years ago, guys. Oh, great. So he's saying that from the past 7 years he's doing the pearl farming. So he's a really genius. He's a really expert in this. And let's ask him how you came. आप इसमें कैसा आ गए? शुरू से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. Okay. पुणे में मैं जॉब करता था, 5-6 साल जॉब किया. लेकिन खुद का बिजनेस करना पहले से स्टार्ट करना था, वो इंटेंशन था. इसलिए पर्ल फार्मिंग क्यों चुना, क्योंकि इसमें जो पर्ल्स निकल के आते हैं इसको कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. आप इसको कभी भी बेच सकते हो. मतलब आप जो बाकी की जो सब्जी पाला करते हो, मतलब जो खेती में उगा देते हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है. लेकिन so इसको guys, कोई दिस इज अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी दैट ही इज फ्रॉम ए मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड ही केम टू द फार्मिंग एंड द मोटो द मेन इंटेंशन टू स्टार्ट ए पर्ल फार्मिंग दैट ही इज सेइंग देयर विल बी no risk factor, like if you cultivate some vegetables and everything that can spoil easily, but in the case of the pearl it cannot be destroyed fast. So once you cultivate that you can sell anytime, and that's the way he came to the farming. So aap sir bataiye process kya hota hai pehle se. Sabse pehle main aapko batana chahta hu ki jab hum wo jo sabse pehle isse pehle aapne suna hoga, jo purane wale jo log the purane wale unse suna hoga ki jo samandar mein aise hi moti mil jata hai. Yes. Matlab kaise hota hai wo samandar mein river mein moti mil jata hai shell ke andar. Lekin wo uska kaise hota hai ki har ek jo cell hota hai, matlab ek muscles hoti hai, wo kya karti hai, din ka 2.5 se 3 liter pani suck kar lete hai. Jab wo pani suck karte ho samandar में हो या रिवर में हो, जब पानी सक करती है तो उसके शरीर के अंदर गलती से एक कंकड़ भी, मतलब पत्थर छोड़ा अंदर गया, तो वहाँ मोती बन जाता है. वो नेचुरली मोती हो गया, हर एक शेल में नहीं मिलता वो. सो गाइस ही इज सेइंग दैट द अर्लियर द पर्ल वाज यू नो हार्वेस्टेड फ्रॉम द रिवर एंड द ओशियंस एंड एस्पेशियली वी कॉल दैट सलाइन वाटर इज ऑयस्टर. And from that they used to harvest the pearl. So basically that they doesn't have a proper shape like nowadays we can cultivate into this is the shape pearl hota hai, natural pearl hota hai. Okay, natural pearl doesn't have a proper shape. मतलब पत्थर गया जाने के बाद ये पर्ल क्रिएट हो गया है. हर एक शेल में ऐसा नहीं होता वो, हर एक शेल में हम जो करते हैं वो कंजर्वेशन करते हैं. कंजर्वेशन मतलब संवर्धन करते हैं. इसमें क्या होता है कि हमें इस सेल से लॉर्ड गणेशा चाहिए, शिव जी चाहिए, या पेंडेंट वाले चाहिए, डिजाइन वाले चाहिए, या राउंड वाले चाहिए, हाफ राउंड वाले चाहिए, या मोपी चाहिए. हमें जो जैसा मोती चाहिए हम उसके शरीर के अंदर प्लांटेशन करते हैं. प्लांटेशन करने के बाद 1.5 साल के बाद हमें वो पर्ल मिल जाता है. ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे हर एक सेल से हमें पर्ल मिलेगा, लेकिन जो पहले वाले पुराने वाले लोग करते थे क्या, समुंदर या रिवर से सेल उठा के सबको मार देते थे. बाद में से देखते थे इसमें पर्ल है क्या, पर्ल है क्या. मतलब 1-2 पर्ल के लिए वो 1,000 सेल मार देते थे, उसमें से एक मिल जाता. लेकिन हमारे पास 1,000 सेल किया तो 1,000 से 2,000 पर्ल मिल जाएंगे ना. सो द रीजन व्हाट ही इज सेइंग दैट व्हेन वी कल्टीवेट दिस वी विल गेट ए प्रॉपर पर्ल. अदरवाइज यू नो व्हेन वी गो टू द ओशन और रिवर एंड वी विल सर्च यू नो वी विल कलेक्ट द मसल्स और ऑयस्टर, वी विल ओपन इट, वी विल डू दिस यू नो सर्जरी एंड वी कैन नॉट फाइंड मेनी पर्ल्स. द पर्ल्स व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ओशन और रिवर दैट डजंट हैव ए प्रॉपर शेप. सो व्हेन वी कल्टीवेट दैट व्हिच हैव ए प्रॉपर शेप. सो सर बताइए ये क्या है? जब सेल हम बाहर से जब सेल आते हैं, आने के बाद हम उसको प्री टैंक में रखते हैं, प्री कंडीशन में रखते हैं. प्री टैंक में हम इसको अब प्री कंडीशन में क्यों रखते हैं कि उसमें सेल सराइवर होने के लिए. Okay. मतलब हर एक जगह का पानी अलग होता है, हर एक जगह का पानी का पीएच टीडीएस लेवल अलग होता है. Okay. तो ये सेल इसमें सराइवर होने के लिए तो हम इसे 10 दिन के लिए प्री कंडीशन में रखते हैं. ओके सो गाइस दिस इज ए प्री टैंक एंड वी विल पुट द मसल्स फॉर 10 डेज फॉर द ऑब्जर्वेशन whether they are dying or surviving for the further procedure. Basically you can see there are mussels present in this water. And sir water ka pH level
पानी का, हमें पानी का पीएच लेवल होता है तो 6.5 से लेके 8.5 तक चलता है। ओके, सो 6.5 टू 8.5 पीएच चलता है। पानी का टीडीएस हमें 16 to 300 और मैक्स 900 तक चलता है, पीपीएम होता है उसका, मतलब पैरामीटर पर मिनट। ओके ग्रेट। ओके, और पानी का अमोनिया जो होता है वो 0 से लेकर 0.25 तो प्री टैंक का, प्री टैंक का हो या मेन टैंक का भी होगा हो। पानी का जो अमोनिया होता है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। पानी का अमोनिया मेंटेन नहीं रख दिया तो उसमें से शेल जो होते हैं डेड, मतलब शेल क्या, कौन सा भी जो पानी में रहने वाला जीव हो तो वो डेड हो जाता है अमोनिया के संपर्क में आ गया तो। So he is saying that if the excess amount of ammonia that can kill this mussels or oyster. So basically, you need to maintain the water pH, temperature, TDS and ammonia level. और इसके बाद after इसके बाद जब 10 दिन के लिए इसमें survivor होने के रखने के बाद हम उसको operation करते, surgery करते। Okay। Surgery करने के बाद मतलब जो surgery का process होता है वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। Okay। जो surgery करते हैं, वो surgery करने के बाद उसको हम post tank में रखते हैं। ये जो post tank है इसमें 5 दिन के लिए observation। So guys, we need to put the mussels for 10 days as an observation and later on we will do the surgery and after that this is a pre tank and this is post tank. So we will add them in the पोस्ट टैंक। इसमें क्या क्या है? इसमें 5 कंपार्टमेंट करते हैं 5 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब 5 डेज 5 कंपार्टमेंट। हां, फर्स्ट डे का इधर सर्जरी करके रखना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, और जो जिस कंपार्टमेंट को 5 दिन कंप्लीट हो गए वो यहां से मेन टैंक में शिफ्ट हो जाते हैं। ओह ग्रेट। सो ही इज सेइंग दैट वंस यू डन द सर्जरी यू नीड टू पुट देम इन द फर्स्ट लेवल। सो दे जस्ट स्प्लिटेड दिस इनटू 5 लेवल्स, द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड आफ्टर द सर्जरी यू नीड टू प्लेस फॉर द फर्स्ट लेवल एंड फ्रॉम दैट सेकेंड अकॉर्डिंग टू द यू नो मोर्टैलिटी। इफ दे डाइड यू नीड टू रिमूव देम, इफ दे आर नॉट डाइड यू नीड टू ट्रांसफर देम, एंड आफ्टर दैट दे विल बी properly survived, then you need to put them into the main tank. So we are going to experience how the main tank work. Chalo sir. So you have 2 main tanks, right? Yes. Can see this is the main tanks. So one is currently working, saying that it's already completed, the harvesting is completed, and the second tank which is currently working, and you can see the bottles. सारी बॉटल इसका क्या वर्क होता है कि जो शेल होता है पानी में, जो शेल छोड़ते हैं हम, वो पानी की सतह पे रहना है, मतलब पानी के लेवल से 2 ही फीट नीचे रहना पाएगी। मतलब आपका टैंक कितना भी डीप हो, मतलब चाहे वो 4 फीट हो या 10 फीट हो या 100 फीट हो, लेकिन पानी के सतह से लेकर 2 फीट ही नीचे हम शेल रखते हैं। इसलिए हैंगिंग रखना पड़ता है क्योंकि नीचे अमोनिया होता है, अमोनिया के संपर्क में आ गए तो शेल डेड हो जाएंगे, इसलिए हैंगिंग रखना पड़ता है। ओके, सो ही इज सेइंग दैट ओनली 2 फीट इट शुड बी हैंग्ड ओवर द वाटर एंड टू फॉर फ्लोटिंग, फॉर द फ्लोटिंग पर्पस ही जस्ट टाइड इनटू द बॉटल। जो बॉटल होता है ना, इसके अंदर जो टैगिंग लिखा होता है, मतलब इस शेल के अंदर कौन सी बॉडी डाली है, अभी ये दिखती नहीं यहाँ से। इसके अंदर टैगिंग करके एक चिट्ठी छोड़ दी जाती है, उसके ऊपर डेट डाली जाती है, इसमें वो कौन सा पार्ट डाला है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ओके, सो गाइस लेट्स नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बॉटल बास्केट एंड हाउ मेनी मसल्स आर देयर। सर बताइए। एक ट्रे में जो एक बॉटल को 3 ट्रे है। ओके, वन बॉटल हैव 3 ट्रेस और उसमें एक ट्रे में 8 मसल्स है। ओके, 8 मसल्स इन एक ट्रे, 24 मसल्स इन टोटल। ओके, एक मसल्स जो है 10 रुपीज को आती है। ओके, 10 रुपीज। और उसके शरीर में जो प्लांटेशन करने वाला न्यूक्लियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लिया तो 5 रुपीज में आता है। ओके, और एमओपी लिया है तो 25 रुपीज में आता है। सो गाइस द एमओपी विच गिव यू द ओरिजिनल पर्ल एंड द अदर वन दैट विल गिव द डिजाइंस, सो दैट कॉस्ट अबाउट 5 रुपीज एंड एमओपी कॉस्ट अबाउट 25 रुपीज एंड द मसल्स इट कॉस्ट अबाउट 10 रुपीज। टोटल 3,000 मसल्स, सो अराउंड 30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मसल्स एंड फीड हमने स्पाइरुलिना एंड फाइकोप्लांटस एंड ग्रीन एल्गे। सो वो कितना खर्चा आएगा? 10,000 तक खर्चा जाता है कि डेढ़ साल में उसमें। ओके, खाली। सो गाइस यू कैन सी दिस इज द वायर दैट इज फॉर एरेशन, सी दिस इज द एरेशन वायर एंड यू नीड टू सप्लाई एयर। इसके लिए मशीन लगा दी, इससे क्या होता है वेव क्रिएट होता है पानी के ऊपर, वेव क्रिएट होने पर नेचुरल ऑक्सीजन। सो ही इज सेइंग दैट देयर विल बी अ वेव क्रिएटेड। शेल को भी लगता है कि महसूस होता है कि हम सीधा रिवर में रह रहे हैं, उनको फील लिया है इसका। सो ही इज जस्ट आर्टिफिशियली क्रिएटिंग एवरीथिंग, लाइक ही इज जस्ट सप्लाइंग द एरेशन, ही इज सप्लाइंग एंड फीड आल्सो। सर फीड के बारे में बताओ, फीड क्या क्या होता है? इसमें जो फीड डाला जाता है ग्रीन एल्गी होता है, फाइटोप्लांटस होता है, जूप्लांटस होता है, स्पाइरुलिना डाला जाता है। स्पाइरुलिना, ओके। बाद में हम इसमें
and yeah. I got lot of comments like what is green algae or spirulina ab, kisi, kya, why we need to provide abhi isko jo de jo hum isme phytoplankton dalte hain phytoplankton ka matlab kya hota hai kai aap jo kai bolte hain na okay. kai ya pachi liquid form mein hum create karte hain okay. aur isme hum kaise bana dete hain kya karte hain uska process kya hota hai wo sab kuch hum training mein bata dete hain uska pachi kaise create kiya okay, jata hai okay okay so guys one more thing he is just providing the training also one day you know theory and one day practical so practical is very important because you need to know how to do the surgery and everything because when I posted the short video it went viral and people are just saying this is all fake you cannot make that profit from this because many of the cases it can die the mortality rate is high because if you need to maintain the water pH temperature aeration everything and feed you know and the, after the surgery we need to check them you need to put them for observation I told you from the you know pre-pond to post-pond and after that main pond so you need to take care of all this if you take care well and proper isko kaise hota hai ki isko maintain karna padta hai jo bahar ke jo log hote hain isme failure ho jate hai isme profit nahi hai isme kuch nahi milta hai aise bolne wale bahut log hai lekin kaise hota hai aap kuch bhi cheez ho man se kiya to usme sab kuch safalta mil jati hai so guys he is saying that if you do with proper you know heartfully then you will get a good profit from here you know definitely that's what I can see from him like from the past 7 years he is doing the pearl farming and that is really appreciable हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें जो टैंक है मेन टैंक इसमें अलग अलग सेटअप होते हैं इंडोर सेटअप होते हैं आउटडोर सेटअप होते हैं जिसके पास जगह कम है उसमें हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं छोटा सा सिंटेक्स टंकी होती है उसमें भी हम कर सकते हैं बायोफ्लॉक में कर सकते हैं पाउंड में कर सकते हैं रिवर में कर सकते हैं आपको जिस जगह करना है आपके पास जैसी जगह उस हिसाब से हम सब कुछ सेटअप लगा देते हैं सब कुछ करते हैं जिसके पास जगह भी नहीं है उसके लिए भी हम सेटअप करके सो ही सेइंग दैट यू कैन अरेंज एनी वे लाइक वर्टिकल फार्मिंग बायोफ्लॉक यू कैन अरेंज इन अ डिफरेंट वे सो देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन स्टार्ट द फार्मिंग और दूसरा मतलब क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट है प्रॉफिट नहीं होता तो मैं भी नहीं करता सबसे पहले बता देता हूँ एक तो बताना है कहे कि हम क्या अंबानी के घर के नीचे एक रुपया लगा दिया है तो हमें पैसा नहीं आया तो चल जाता करेक्ट करेक्ट तो इसलिए प्रॉफिट मिलता है बहुत सारा इसलिए हम वो सेटअप कर लेते हैं yes, yes. और एक करते मैं 7 ईयर से कर रहा हूँ इसलिए वो अच्छा है इसमें काफी सारा पैसा मिलता है इतना बता सकता हूँ सोने चांदी से भी ज्यादा इसमें पैसा मिल जाता है भी किया So he's giving a great advice to you that if you well you know if you do the pearl farming with proper knowledge is very important that means you need to go the valid institution to learn how the pearl farming is done you need to learn theory and practical is very important because you need to understand how this work how to do the surgery and everything so we will show in the video at the end of the video we will show how the surgery is done and everything ab aapko investment kitna pada aapko पूरा अभी जो ये मेन टैंक लगाना है तो इसको 35,000 जाता है खाली टैंक लगाना है ओके सो 35,000 फॉर द टैंक आई होप आई टोल्ड यू इन द वीडियो द शॉर्ट वीडियो आल्सो एंड इसके अंदर 3,000 है ना 3,000 मजल्स पूरा सेटअप लगाना है तो कम से कम 1.5-2 लाख तक खर्चा आ जाता है ओके ओके सो खर्चा आ जाता है सो टोटल द कंप्लीट सेटअप इट्स अप टू 2 लाख इफ यू इन्वेस्ट अप टू 2 लाख बिलीव मी यू विल बी गेटिंग ए गुड प्रॉफिट दैट कैन टच ए 7-digit नंबर और दूसरा मतलब आपको ये बताना है कि आपको लगता होगा खाली कि हमें पर्ल फार्मिंग करके ओनली पर मोती मिल जाता है मतलब पर्ल मिल जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था पर्ल भी मिलता है पर्ल के साथ हमें जो सेल का कवच होता है उसका उसका हम पाउडर क्रश करके फार्मा कंपनी में मेडिसिन कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज किया कॉस्मेटिक कंपनी जो पर्ल का क्रश करके भी पाउडर बना के वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट या फार्मा कंपनी में यूज किया जाता है दैट्स अ ग्रेट यू नो इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम हिम दैट वी गेट पर्ल एंड द रिमेनिंग पार्ट लाइक द शेल एस्पेशली द शेल दैट वी कैन डू द पाउडर फॉर्म एंड वी कैन सेल टू द यू नो फार्मास्यूटिकल कंपनी द कॉस्मेटिक कंपनीज एंड कंपनी और बाद में इसका जो इसका कवच होता है जो हम घर में स्टाइल बिठा देते हैं ना उसके ऊपर क्रश करके ग्लेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है और बाद में दूसरा जो पोल्ट्री फार्म होता है जो मुर्गियों को खाना दिया जाता है उसमें क्रश करके इसका डालते हैं इसलिए वो एक के ऊपर कवर आता शेल, है हाँ हाँ सो टू स्ट्रॉन्ग यू नो टू स्ट्रेंथन द एग शेल दे विल पाउडर दिस एंड यू नो ऐड इन द फीड ऑफ चिकन इन पोल्ट्री फार्म सो इट हैव लॉट ऑफ यूजेस एंड लेट्स नो हाउ द सर्जरी इज डन एंड एवरीथिंग यानी कि अमोनिया क्रिएट होता है इसका हम जो पानी 10 दिन में 25% रिलीज कर देते हैं okay. वो जो पानी वाटर जो होता है हम वो खेत के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें सीवीड होता है यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट दिस वाटर यू कैन सेंड दिस वाटर टुवर्ड्स द फार्म लैंड इट इज हैविंग हाईली फर्टाइल बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ यू नो यूजफुल बैक्टीरिया जस्ट ओपनिंग द वाल्व
टू रिमूव द वाटर फ्रॉम दिस टैंक. लेट मी शो यू. Okay, so here is the water, which is having a lot of ammonium content, and that is the reason why he is just removing. And after every 10 days, he is just replace this water. You can see the water is just flowing out towards the field. So it is having a lot of weed, especially bacterial and fungus, which is having a lot of microorganisms, which is very useful for the farming. जो शेल की सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के लिए हम जो न्यूक्लियस यूज करते हैं, इसमें जो टाइप्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक न्यूक्लियस होता है, एक MOP होता है, ये जो होता है मदर ऑफ पर्ल होता है. इसमें दोनों से डिफरेंस होता है, दोनों में से जो प्योर पर्ल बन जाता है. इसका हम क्या करते हैं कि शेल के शरीर के अंदर प्लांटेशन करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, जब सेल घर में, सो गाइस ही इज सेइंग दैट दिस इज न्यूक्लियस, यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज MOP, मदर ऑफ पर्ल. सो दिस इज व्हाट ही इज इंट्रोड्यूसिंग इनटू द शेल, द मसल्स. जो हम शेल की शेल में जो प्लांटेशन करते हैं न्यूक्लियस, जो मसल्स के अंदर जो प्लांटेशन करते हैं, ये MOP होता है, प्योर पर्ल होता है. ओके, प्योर प्योर पर्ल होता है, मतलब जो दिस इज MOP, शेल के जो कवच होता है उसका कटिंग पॉलिशिंग करके 3D शेप में हम बना देते हैं उसको. मतलब इसको लेजर कटिंग करके उसको शेप बना के हम इसमें से प्लांटेशन करते हैं. मतलब ये प्योर पर्ल हो जाता है. और जो ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूक्लियस बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं, शेल के शेल डस्ट, मतलब शेल के कवच के जो पाउडर बना के इसमें केमिकल डाल के पैटर्न बना दे. इसमें हर एक रिलीजन का न्यूक्लियस हमें मिल जाता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ कस्टमाइज, यू कैन सी लॉर्ड कृष्णा एंड we can see Ganesha and Lord Shiva. So guys, let's know how the surgery is done and everything. So this is the surgical table. We have the muscles and he is going to do the surgery. This is the surgical kit and this is the equipment. Sir, kya kya hai, what is this? Circle plier. Okay, circle plier. Circle plier matlab is shell ka muh open karne ke liye iska use kiya jata hai. Okay. Baad mein ye jo hai spatula hai. Okay, spatula hai shell ka skin cut karne ke liye, matlab body plantation, nucleus plantation karne ke liye uska mantle ke upar ka skin cut karna padta hai. Okay, skin cut karne ke liye is spatula ka use kiya jata hai. Aur ye last one hai, wo सेल होल्डर है. सेल होल्डर मतलब सेल का जो मसल्स का मुंह ओपन करके होल्ड करके इसका डायमेंशन होता है 7. दैट इज द होल्डर एंड दिस इज द लास्ट. हम मसल्स का मुंह 10 mm तक ओपन कर सकते हैं. 10 mm के ऊपर ओपन किया तो सेल डेड हो जाता है. 10 mm के अंदर ही मुंह. सो गाइस, यू नीड टू डू द सर्जरी विद वेरी यू नो केयरफुली, अदरवाइज दिस विल डाई. So sir, please start the surgery. So we are going to see how it's circle plier bolte hai. Okay, shell ne thoda move kara hai to iske beech mein hum laga dete hai isko. Okay. So you can see lagane ke baad isko aisa uthana padta hai. Okay, uthana ke baad isko ghumane ka, you need to rotate the player and baad mein cell holder stopper laga dene ka yahan. Yes, stopper lagane ke baad ye jo nucleus hota hai, body jo hoti hai, okay, isko hum yahan se cell ka skin cut kar lete hai. स्किन कट करने के बाद उसको बॉडी प्लांटेशन करना पड़ता है अंदर, और बाद में इसका स्किन बंद करना पड़ता है. बाद में सेल घुमाने का, ओके उसके अंदर बॉडी प्लांटेशन कर देने का. ओके यू कैन सी ही जस्ट इन यू नो प्लांटेड दैट MOP है ना सर, नहीं इंडियन न्यूक्लियस कैल्शियम कार्बोनेट. अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट ही जस्ट प्लांट. बाद में न्यूक्लियस इसका बाद में ऐसे निकालना पड़ता है. ओके, इसको इजी तरीके से किया तो चल जाता है. इधर एडेप्टर मसल्स होता है इसका, थोड़ा हार्ड, मतलब एडेप्टर मसल का मतलब का क्या होता है, हमारे जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो एडेप्टर मसल्स होते हैं. उसका 10 mm के ऊपर मुंह खोल दिया तो ये शेल डेड हो जाता है. इसलिए इसको इजी तरीके से दिखाया जाता है. लेकिन अभी मैंने जो सर्जरी करके दिखाया, ये नॉर्मली सर्जरी दिखाया, ऐसे जो प्रैक्टिकली या टेक्निकली करते हैं ऐसे नहीं करते. उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, सब कुछ होता है. बॉडीज कहाँ रखनी है, लोगों को क्या लगता है कि अब ये सर्जरी करके दिखाए तो उनको लगता है इजी है, लेकिन इसको सर्जरी करते समय उसको क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है उसका, तो सब कुछ प्रोसेस करने के बाद हम सर्जरी कर देते हैं. ओके यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द सर्जरी, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग इट डाइड. And you know, basically this is considered as a living organism and which is having a lot of organs like kidney, stomach, gills, food and mouth. Even they, you know, have a complete mechanism in their body. And finally, you know, this we are doing a surgery, so we need to be very careful. Once you've done it successfully, automatically it start reacting with the shell and it form molasses. That later on it will be later on it will be produce a thick covering of calcium that is considered as the pearl. So that's how this surgery is done. So you need to open the mouth and you need to insert the nucleus, the calcium, and through this equipments. So that is how the surgery is done. जो ये शेल है ना, वो मार्जिनिस
प्रजाति का है। ओके ओके। हाँ, मतलब इसमें जो मोती प्रोड्यूस हो जाएगा पर्ल, वो लाइट गोल्डन कलर का रेडी हो जाएगा। ओके ओके। और ये जो ये पर्ल है, जो ये सेल से कोरानीस के, इसमें व्हाइट कलर का पर्ल रेडी हो जाएगा। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर, सो द कलर विल बी चेंज। सो ही इज सेइंग दैट दिस पर्ल विल बी गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर, एंड दिस वन विल बी व्हाइट इन कलर। सो अकॉर्डिंग टू द शेल द पर्ल कलर विल बी यू नो defined. Sir, ये क्या है? ये pearl है. Oh my God! So this is the pearl, the original pearl. He is producing and he is a pearl farmer, sir. इसका कीमत क्या है? Like what is the rate? जो कैसे हम जो raw pearl sell करते हैं, 150 से लेके 200 तक रेट होता है. Oh. जो fine finishing pearl कैसे बना देते हैं, इसका एक pearl की price होलसेल में बोले तो 700-800 रुपए तक एक पल, 700-800 800 पर तक एक पल की प्राइस आती है। ओ माय गॉड, ही इज सेइंग दैट में हो गया वो, लेकिन शॉप में गए तो इसके अरे हर एक पल की प्राइस 1.5 से 2,000 तक जाती है। ओ माय गॉड, सो ही इज सेइंग दैट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ 700-800 इन द होलसेल, एंड इफ यू गो टू द रिटेल इट गो अप टू 2000 रुपीज। इफ एनीवन वांट टू लर्न, यू कैन कनेक्ट मयूर सर, and he is you know giving the course especially theory and practical. So he is you know, he is doing the pearl farming from the past 7 years. So I hope you enjoyed this video. For more videos just like this, subscribe to the AgroTill YouTube channel. See you soon. Until then, take care, bye bye.